नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। हिमाचल प्रदेश की सड़कों और नेशनल हाईवे पर किए गए अवैध कब्जे एक सप्ताह के अंदर हटा दिए जाएंगे। हिमाचल हाई कोर्ट ने इन अवैध कब्जों को हटाने के लिए संबंधित विभाग को समय दिया हुआ है। 1 दिसंबर को कब्जों को हटाए जाने का एफिडेविट हाई कोर्ट में PWD विभाग के ENC इंजीनियर इन चीफ को दायर करना है। प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों को 23 नवंबर तक अवैध कब्जे हटाने के लिए पत्र जारी किया गया था, जिसके जवाब में पिछले कुछ दिनों से अवैध कब्जे हटाने का काम जारी है। प्रदेश भर में तकरीबन 1300 अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। बिलासपुर, मंडी और हमीरपुर जिलों में अवैध कब्जे सबसे ज्यादा बताए जा रहे हैं। विभागीय सूत्रों के मुताबिक बिलासपुर में इनकी तादाद काफी है। कई जगह नेशनल हाईवे के किनारे छोटे छोटे बस स्टॉप है या फिर यात्री वाहन थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, वहाँ पर इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। कई जगह तो बिजली पानी की व्यवस्था भी हो चुकी है। हमीरपुर जिले में शुक्रवार से अवैध कब्जे हटाने की मुहिम जारी हुई। यहाँ पर कुल 16 अवैध कब्जे हैं, जो काफी लंबे समय से थे। छज्जे निकालकर ऊपर की मंजिलों पर जाने के लिए सीढ़ियां भी लगा दी गई थी। वहीं चुनाव से तकरीबन 3 माह पहले फुटपाथ के निर्माण के लिए जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, उस पर विवाद हो गया था। निशानदेही होने के बावजूद अवैध कब्जा धारक जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, अब वह बेबसी का शिकार हो गए हैं। XEN देवराज भाटिया ने बताया कि अधिकारियों ने 22 नवंबर तक 22 तारीख तक अवैध कब्जों को हटाने की कार्यवाही करने को कहा है। इसके बाद 25 नवंबर तक ENC कार्यालय को जवाब दिया जाएगा, फिर फाइनल रिपोर्ट तैयार करके 1 दिसंबर को एफिडेविट हाईकोर्ट में दायर होगा, जिसमें यह कहा जाएगा कि अब कोई भी अवैध कब्जा नहीं रहा है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना।